हरियाली थी, क्योंकि उस टाइम पे बरसात का टाइम था ना, इसलिए। और गेट बंद है तो मुझे जंप करके जाना पड़ेगा आगे। नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक फ्रेश ब्लॉग में, और मैं हूं आपका जिगरी दोस्त जयपाल। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ चुका हूं उसी ब्यूटीफुल सुंदर डेवलप विलेज में, जिसकी वीडियो आपने पिछले साल देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चरकोट विलेज की, चरकोट गाँव की। तो एक बार फिर से आपको चरकोट गाँव घुमाऊँगा, रहना मेरे साथ और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मैं हूँ एक्चुअली स्कूल में, यहीं से वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको घुमाते हैं आगे, ठीक है। वॉक हो गया है, सुबह से हम यहीं थे, सुबह 6 बजे से। और ये है स्कूल, पाठशाला जिसको बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय चरकोट गांव की। काफ़ी सुंदर स्कूल है, फ्लावर्स भी आप देख सकते हैं इधर, और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, ग्राउंड का झूले भी लगे हैं, और इधर यूकेलिप्टस के पेड़ भी हैं। और मैं अगर व्यू की बात करूं, ये पानी की टंकी है सामने, इसके पीछे वॉशरूम है बच्चों के लिए। और अगर मैं व्यू की बात करूं तो स्कूल के जो चारों तरफ इतना सुंदर नज़ारा है कि आप देखते रह जाओगे। देखो, चीड़ के पेड़ हैं इधर, ज़्यादातर इधर चीड़ के पेड़ होते हैं। और ये जो मैं भी हूँ, ये जो सामने दिख रहा है, ये नदी है, नदी के इस तरफ पौड़ी है, ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, और वो नदी के उस तरफ टिहरी गढ़वाल जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। सामने मुल्या गांव है, और उधर यहाँ पे जहाँ पे फिंगर आउट करो, ये बाबा रामदेव का कोई विद्यालय है, ठीक है। और सुबह कोहरा लगा था ऊपर, बारिश तो नहीं हुई, यहाँ कोहरा लगा हुआ था। और जो सामने यहाँ पे जहाँ पे फिंगर आउट कर रहे हैं, ये चंद्रबंदी है, शक्तिपीठ माँ चंद्रबंदी का मंदिर है टॉप में टिहरी गढ़वाल में। और सामने आपका हिंडोला खाल है, आप नज़ारा देखिए स्कूल के ऊपर से कितना शानदार नज़ारा है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ बैठ के पढ़ाई करने में कितना आनंद आता होगा बच्चों को, है ना। और अभी देखो, आपको बताऊँ, मौसम आज वैसे अच्छा है, धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं, बारिश की उम्मीद तो है। देखो, बारिश की उम्मीद है पर हो नहीं रही है, हो गया। अब चलते हैं, स्कूल के सामने मंदिर है, नागराजा का मंदिर है शायद, वो भी टॉप में है। और हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा हो रखा है, सुहाना हो रखा है। देखो पीछे से तीतर की आवाज़ आ रही है। गांव में यही चीज़ बड़ी अच्छी लगती है ना। चलो जरा मंदिर में दर्शन करते हैं, अब देखते हैं, भगवती है, नागराजा है, जो भी है तो भगवान जी है ना, चप्पल ही उतार के। देखो हवा चल रही है, आप निशान देखो मंदिर का, हवा में लहरा रहा है। हाँ, तो ये भगवती का मंदिर है, माता रानी का मूर्ति है, और इधर नागराजा है शायद। और ये सामने देखो, ये घर है मेरी दीदी लोगों का, वो विभूति बैठी है। विभूति हाय, क्या कर रहे हो अकेले 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 क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं कर रहे हो? चलो ठीक है, तो वहाँ भी लेके जाऊँगा थोड़ी देर में, पहले इधर चलते हैं। अभी लोग क्या है ना, लोग घर पे नहीं है, अभी सब अपने काम धाम पे निकले। देखो इस यहाँ से नज़ारा देखो आपके लिए, सामने बादल छाए हुए, ऐसा लगता है कि अभी घनघोर बारिश आने वाली है। अभी एक्चुअली सूखा पड़ा है, क्योंकि यहाँ भी बारिश नहीं है। यस नहीं, ये मंदिर से नज़ारा चरकोट का। अभी मैं कह रहा था कि लोग वहाँ घर पे नहीं, सब अपने काम पे जुटे हुए हैं, कोई बाजार जा रखा है, कोई अपनी गाय वाय की लेके जा रखा है जंगल है, तो अभी कोई नहीं मिलेगा। वैसे घुमा लेता हूँ आपको बारी बार। और ये जो आपको सूखा दिख रहा है, यहाँ भी बारिश वारिश कुछ नहीं है, तो जंगल सारा सूख गया है,
बंद हो गया, तो लोगों ने कहीं आग लगा रखी है, तो सारा इस वजह से जंगल पूरा चौपट हो रखा है। देख रहा आप जो ये लाल लाल पूरा दिख रहा है ना, सूखा जला हुआ है सारा है। तो अगर एक बारिश होगी तो उसके बाद फिर यहाँ हरियाली आएगी। ठीक है, ये घास ले जा रहे हैं, ताव लगी हो ताव ता, मोटर उतार बात में निकल आता बेटे, मोटर ही नहीं रखी कौन ऊपर। अच्छा घास, घास का पुंगड़ो या जंगल, जंगल मत घास है ही नहीं। हाँ हाँ आप और डॉग कब से, ये इनका घर है। कहते हैं गोर भैंसो गौड़ो भैंसो। अच्छा गौड़ो जी, हाँ तो गो हाँ घास ही कब लोग बना लगे लोग जंगल। चलो ठीक तो चलो जी आगे चलते हैं। देखा ना आप ये रेलिंग जो रोड है, जहाँ भी ऐसे रास्ता है पगडंडी है वहाँ रेलिंग लग रखी है। देखो सामने हेलीकॉप्टर आ रहा है, चार धाम यात्रा चल रही है ना तो उसका है, लोग है जो वीआईपी लोग होंगे वो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। कपटे होना अच्छा बाजार बेटी दुकान बेटी मोबाइल अच्छा वो वो शाम तक लाओ। हाँ वेगे नाश्ता पानी अच्छा दिनो अच्छा अच्छा हाँ 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 मनोज ना ना क्यों पानी मैं जरा गाँव घूम छो गाँव वीडियो बना जरा। देखो घर घर से गाड़ी, रोड के किनारे घर होने से फायदा होता है। इन्हें बड़ी रास्ता चाहिए ना, ये डॉग आ जा हेलो, ये डॉगी है, इधर गाय है और ये कटहल का पेड़। देखो कटहल आपको दिख गया होगा और यहीं पे आम का पेड़ भी है। तो चलो अब इधर से रास्ता नहीं है शायद, उधर से चलते हैं। इस घर में चलते हैं, यहाँ पे आपको बकरी दिखाता हूँ। ले ले गाय माता, यहाँ दिन की सुबह का नाश्ता हो चुका है। सुबह तो गांव में 7 बजे ही नाश्ता हो जाता है, 7 बजे से पहले पहले, और ये दिन का जुगाड़ है दाल रखी चूल्हे में। पहले रोड नहीं थे ना, यहाँ से नीचे जाते थे खेतों के नीचे और सीधे मुल्ला गांव या फिर आगे भगवान, जो हमारा मेरा होम टाउन का नज़दीकी मार्केट है। एक और मंदिर इधर और एक घर इधर भी है, तो सब गेट बंद है तो पता नहीं कोई होगा नहीं होगा। एक मंदिर एक घर इधर है शानदार, देखो अच्छे अच्छे घर बने इधर। तो जो ये रोड जा रही है ये चली गई पौड़ी की तरफ, घुड़दुड़ी होते हुए पौड़ी, और ये किधर से बाईपास अंदर से कहीं गांव टच होके उधर से टंकी है। देखो भूटिया कैसे सो रखा है, बच्चे इधर नहा रहे हैं, शर्म आ गई बच्चे को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
नाले नाले बनाओ, बनाओ, बनाओ। ये होता है बोटिया शिरू, इसके सामने भी बाघ चित हो जाता है। तबर घर वाले को उन जान पे तबर घर वाले को उन जान पसंद जाए बाबू पसंद अच्छा पसंद जाए कंचु मामा छोटो हां हां अच्छा छोटो मामा वो भी यहां होला ना हां उतर गए बाबू चल गए मोंडे को मार पहले में नो पे पहले में हम तुम्हारे घर आना था उन बैठे हैं बैठे हैं हवा खाना अरे पहुंच गए नमस्ते नमस्ते देखो ये किधर बैठे अकेले अकेले आदेश मिनू घर बेटी घर बेटी आदेश मिनू हाँ ठीक ठीक लगे आ रहा आदेश हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ये सुनील का घर है देखो यहाँ पे यहाँ की खासियत बताएंगे ना घूमने की बात भी हो रही है लेकिन यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी हवा खा रही है और बातें चल रही है इनसे ये नाम ही हस्ती है यहाँ की नामचीन कौन ये भाई साहब इनका नाम जसवंत सिंह रावत नाम तो आप ही बता सकते हैं लोग यहाँ के रहने वाले हैं ना जसवंत सिंह रावत जी जसवंत सिंह रावत जी कुछ बताना चाहेंगे आप अपने गाँव के बारे में क्या क्या विकास हुआ इतने सालों में क्या विकास दिख रहा है सामने विकास दिख रहा है सामने कोई रंतरेवार जो भैरों ढोल कहते हैं किसी को रंतरेवार भेजना हो तो अरे यूट्यूब मकान चाहते के लिए भेजो तो हम रात का मकान उकान जो है छूट रहा है और क्या है कि आप जो है जरा कृपा करके दिल्ली आइए बाहर आइए हां जी नमस्कार मेरा चाचा यार तेरा कोट पर आ रहे ओ मलकुंडा पर आ रहे चल रे जोन चलो जी बैठने के लिए जगह नहीं ना बैठने के उसमें बैठने के चार ही वो पहाड़ के लिए पहाड़ के मतलब उसके दरवाजे भी दो ही आगे के पीछे फंस गया था फंस गया अब खिड़की भी नहीं है पीछे खोलने की जैसे उसमें 4x4 होती है ना तो ये है कि तुरंत और ये है खाल पानी वानी जो रोकने का इंतजाम होते हैं ना गाँव में उसके लिए देखो बच्चा देखो हेलो गाइस हेलो हेलो क्या कह रहे थे हेलो गाइस तो गांव के आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ देखो रोड ही रोड तो है ना डेवलप विलेज यहाँ पे एक शॉप है और पीछे है राशन की दुकान ये है चौराई यहाँ पे बैठने के लिए जो बना रखा है रोड के किनारे हेलो गाइस गढ़वाल नहीं हिंदी होती गढ़वाल गढ़वाल नहीं आती है कौन से क्लास में पढ़ता है कौन से क्लास में पढ़ता है कौन से क्लास में पढ़ता है इधर तो देख थर्ड तो सर सम आ रहा है यार थर्ड थर्ड में पढ़ता है कहाँ है तेरी स्कूल श्रीनगर श्रीनगर जाते हैं इतनी दूर जाते हैं यहाँ से नानी के गाँव अच्छा नानी के यहाँ रहते हैं मजे हैं आपके यार नानी के साथ हैं चल ठीक है बाय मिलते हैं बाय तो कर दे बाय चलो जी यहाँ है हमारे बच्चे ऊपर ये मस्ती का घर है और हमारे बच्चे यहाँ नहाने धोने के लिए आ रखे हैं पिछली बार इस पे आम लगे थे ना गए गुड किचन अरे बाहर में गढ़वाल से बाहर ये पूरा रूम होता है और यहाँ पे देखो किचन कितना बड़ा है चाय बना बना चाय बना गरम गरम चाय अरे मजाक कर लू यार चाय ना ना चाय ना किसी चीज की धमकी देता है कोई किसी चीज की धमकी हेलो हेलो हेलो
नींबू। और ये है हॉस्पिटल, गांव में हर फैसिलिटी है यहाँ पे। मस्ती का घर कितना शानदार है ना। आज यही रही है क्या बता? और ये है राशन की दुकान, सरकारी राशन जो मिलते हैं ना, ये वाली। राशन पानी सब कुछ दुकान वकान सब गांव में ही है। वेटिंग मशीन जमला खाल चरकोट मोटर मार्ग चरकोट। ये घर ये भी है जो पहले दिखाया था मैंने आपको, सामने मंदिर, फिर वहाँ चढ़ेंगे, वहाँ थोड़ा हवा खाएंगे बैठ के, और फिर घर जाएंगे, लंच करेंगे, फिर शाम को मिलेंगे, ठीक है। मामा आओ बैठो। अच्छा घास कब ले आया पूर्ण बेटी? जंगल जंगल बेटी, जंगल बेटी, जंगल में घास कब चीज बना लगी? बनाग लगी हूँ संता ना, हम टीरी भगवान है चम को। हाँ दिल्ली रहना क्या चो गोर भैंसो? अच्छा हाँ बच्चा लोग? अच्छा लड़ा घर चलो बढ़िया। तीतर बहुत है पहाड़ में अभी। मैं आ गया था तो कल थोड़ा व्यस्त था और सुबह भी व्यस्त था, तभी थोड़ा सा टाइम मिला है। कल यहाँ हमने आग वाग जलाई थी, साफ किया था, तो इसलिए थोड़ा सा व्यस्त था। चीनी चीनी क्या कर रही है? चीनी क्या कर रही है? फेंक दो, नीचे गिर गया। क्या खा रही है? हैं? बता दो क्या खा रहे हो? आम है, मैंगो है। आम है ये, मैंगो कहाँ से हो गया? गांव में खा रहे तो आम होगा। अच्छा आप नहीं खा रहे हो? अरे वाह आप बहुत फास्ट निकले। कोई वाणी अभी नहाने लेना, थोड़ा चेंज कर लेना फिर। तो जी ये है छत से चरकोट का नज़ारा। अभी पूरा चरकोट घूमा नहीं, कुछ आज घूम लिए हैं, कुछ कल घूमेंगे। अभी शाम हो गई ना इसलिए।
दीदी क्या कर रहे हैं? पापा और क्या, मैं थक ही नहीं गई क्या? कब से लगे पानी डाल। प्लास्टिक क्यों? प्लास्टिक हाँ। जीरा होगा, जीरा जीरे के बाद ये डाल देना। आपने सब वही पे मिसे वो एक चूल्हा ये रहा। रवि एक ये रहा चूल्हा दाल चावल बनेगा और सब्जियां जो दो तीन प्रकार की जो भी है और वो आज का पापा जब शादी का टाइम आएगा स्वयं वो खर्च देंगे पापा को भी। पहले हमको हाँ लड़की दे दो है, ऐसा जमाना आ गया लाटा। अब मस्ती ये देख रखना चलो कब जान। हाँ चल चल ये है पीपल का पेड़ और इससे नीचे एक टंकी है पानी की, एक ऊपर है एक बीच में है, बहुत सारी टंकियां हैं पानी की। और यह है आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये है आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है।
और यहाँ पे जो आम की चौरी बनी हुई है यहाँ पे बैठते हैं ठंडी हवा खाने के लोग, जब दिन में धूप होती है तो यहाँ पे आते हैं। ठंडी हवा खाना ना, बड़े बड़े घरों का क्या हाल हो गया है। सामने आपको दिख रहा है टूटा हुआ घर। क्या होता है ना कि कुछ लोग पलायन हो गए तो उनका घर ऐसे टूट गया है, और जो अभी यहाँ रह रहे हैं उन्होंने अपने लिए घर अच्छा बना दिया रोड के किनारे। आपने देखा होगा रोड के किनारे मोस्टली घर बने हुए हैं और सबके घर में रोड है। और यह है दिलवर सिंह रावत का घर। मिस्त्री एक बार फिर घर आपको बुला रहा है। ये दिलवर रावत जो हमारे पड़ोसी हैं वो घर है, और ये है पंचायत घर। चलो आज आपको पंचायत घर से भी नज़ारा दिखाते हैं। तो काफ़ी बड़ा है ये भी। यहाँ पे जो भी पंचायत का सामान रहता है या कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे होता है, और पंचायत का सामान यहाँ रहता है। एक अनार दिखा दीजिए, अनार का देख लो, अनार लगे हुए हैं, हालांकि छोटे हैं, कच्चे हैं, कच्चे हैं अभी। और ये है आंवले का पेड़, आंवला लगा नहीं है खैर। तो आम का पेड़ भी लगा रखा है लोगों ने। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फलों के पेड़ देखे, आम आम तो खैर है ही, अनार भी हैं, केले हैं और अखरोट हैं, आड़ू हैं, आड़ू का पेड़, आड़ू है, इलायची, वो लीची भी यहाँ होती है वो भी मैंने देखे थे, और दालचीनी भी यहाँ के मैंने देखे थे, तेज पत्ता। ये तो शानदार, हवा भी मस्त चल रही है, मौसम थोड़ा सा मेहरबान है कल से, परसों तो धूप थी पर यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो रही, कहीं बारिश नहीं हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं ऊपर की ओर। यह है अखरोट का पेड़, ये वाला अखरोट लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तो फिर आएंगे खाने के लिए ना। इधर चले, इधर भी कोई नहीं है। तो देखो जी यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जो टूटा हुआ ना बाजू में ये घर था मेरे दीदी लोगों का, तो अब उन्होंने वहाँ बना दिया नया वाला। ये लीची का पेड़ आए थे शायद इसमें, तो खा ले होंगे। ये अनार है, एक चौरी इधर है, पर यहाँ सुनसान है, देखते हैं आगे कोई मिले तो। इधर कोई नहीं है, नमस्ते दीदी, प्रणाम। हाँ
बन हाँ 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 क्या करना चाह चलो बना बना जरा मैं अगने तक पूछ लो यहाँ भी कोई नहीं है होंगे अंदर होंगे लोग पंखे में बैठे होंगे हालांकि बाहर इतनी शानदार हवा चल रही है लेकिन लोग घर के अंदर मोबाइल पे लगे होंगे ये क्या सामने ये घर है चलते हैं वहाँ जरा कितना प्यारा लग रहा है ना साथ में मोदी जी और बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी प्रचार नहीं कर रहा मैं ठीक है नमस्कार बैठे हैं अच्छा अच्छा तो ये के घर है शानदार एकदम आप घर रहना हाँ, अच्छा बाकी बच्चा लोग अच्छा छोटा बड़ा और इधर है गौशाला गाय माता देखो एक गाय है और पीछे बकरी है देखा आपको हेलो बोलता है अभी बकरी वो पीछे बछड़ी है हाँ इन्हें बकरा चलो बढ़िया अगर किसी को मिर्ची चाहिए लगाने के लिए तो ले जा सकते हैं आप और नीचे रोड एकदम देखो एकदम चोटी पे अगर ना चलो जी एक डॉगी अरे वाह कुकुर आप हो चू गाँव को जो साजू कुत्ता आप हो चू नमस्ते हाँ बढ़िया हाँ पंचे थे कुत्ता और तबीयत पानी ठीक ठाक अजय रे काटी नहीं हमें अच्छा अच्छा तो गांव में अक्सर यही है सब लोग अकेले अकेले हैं और एक घर इधर है चंद्रबंदी का मंदिर है बरसात ही तो घास जमा हुआ था पूरा यहाँ अभी एकदम सूखा पड़ा है जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जय चलो जी जय हो भगवती अखरोट लगी हुई है ये भी पंचायत है शायद सरकारी है कोई तो ये पुराना गांव है बेसिकली आ गए घास लेके बोन बिटी
ये है कुल्ली का घर, कुल्ली भाई का घर। वही खान पीना? अच्छा चलो बढ़िया, बस ठीक है। अकेले छा? अकेले था, हम में बुआ थे बैल पर चले। अच्छा अच्छा, वो चल गए ना। हां अब तो हम में घर तो अब नॉन में जान में आप। अच्छा कहरन, कहरन नोनी कोठड़ा। अच्छा कोट गाड़ी में ही जाओ। हां हां कोट कोठड़ा, कोट कोठड़ा। हां कोट कोठड़ा। अच्छा कुली घर ही छा? हां बोला था बुआरी सासु छोड़े ना चल गए ना। यही हाल थे गाँव में, सब बुढ़िया बुढ़िया थे सब। हाँ चलो ठीक बैठ थे, चलो जी। ये है टैंक, पानी का टैंक। कोई भी नहीं, घोड़ा घोड़ा दिखना पार ना पार, गाय दिख रही है। चलो हम नीचे देखते कोई मिल जाए। छत में जाने के लिए पुल ओवर ब्रिज, लग रहा गेट बंद है शायद। यहाँ भी कोई नहीं रहेंगे। वाह क्या शानदार घर है, देखा आपने? घर में मैंने गेट खोल के अंदर आ गया, देखो नीमों के पेड़ आंगन में, ये भी नीमों पेड़। घर एकदम कवर कर रखा सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड का थोड़ा सा खतरा होता है, तो इसलिए गमले भी लगा रखे हैं शानदार। और क्या ढूंढना तुम? नमस्कार, क्या ढूंढना तुम? अच्छा हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ तो उधर चाहेंगे अभी, ठीक है इसके बाद। तो ये एकदम शानदार जाली से कवर कर रखा अपने आंगन को, घर को, बरामदे को, और सामने पहाड़। चलो गेट बंद करते हैं और देखते हैं वो भाई साहब इधर। चलो जी शानदार, आगे हम आपकी हवेली में, सफाई चल रही है। चलो तो भाई साहब छुट्टी आ रखी है, गांव में सफाई कर रहे हैं घर में, और इधर माता जी बैठी है। नमस्ते, बैठे हैं अच्छा। अच्छा हम आज सिरकोट जाएंगे, कल उधर रहेंगे, परसों में नीचे वाले रास्ते में जाम है क्या? जाम तो उधर मिलता है ऋषिकेश के बाजू में मिलता है, बाकी तो तपोवन में। हाँ तपोवन से ऋषिकेश तो एक डेढ़ घंटा लग जाता, दो घंटे लग जाते हैं लोग। वही लगेगा। आप लोगों का कब का प्लान है? हमारा तो कल का है। अच्छा कल जा रहे हो? हाँ संजू ही घर ही चल, संजू संजू चले गए। अच्छा बोल देता है नहीं सही है, और हाँ धूल मिट्टी हो। हाँ ना क्यों बांधे ठीक है ना ना, बढ़िया बैठे रहा तू। अरे खुर्सी क्यों बांधी? लेकिन ये किसी मैदानी घर से, हवेली से कम नहीं, आपको दिखाता हूँ अंदर से, एकदम मॉडुलर घर। देखा किचन, घर के अंदर किचन है, और घर में दूसरे कमरे में जाने के लिए आपका देखो यहीं से अंदर ही अंदर।
और अंदर से सीधा वॉशरूम। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मैदानी क्षेत्र में हूँ, लेकिन नहीं, अभी मैं पहाड़ में हूँ। ये पहाड़ के घर होते हैं, ऐसे होने लगे हैं ऐसे, हाँ, अटैच बाथरूम, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मतलब अब ज़्यादातर मोस्टली लोग ऐसे बना रहे हैं बिकॉज यहाँ पे लेपर्ड का थोड़ा सा भय रहता है, तो इसकी वजह से। और जो भी है, घर अच्छा लगा, मुझे पसंद आया। चलो ठीक है, एकदम शानदार आंगन भी, बड़े जगह पर बने आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे घूमते हैं। ये तेज पत्ते जिनको हम मसाले में यूज करते हैं। ज़्यादा भी फिलहाल घोरी वाला कबरे तैयार जो आपसे अब दो तीन बार जो एक दो तारीख। अच्छा, चलो बड़े बड़े अच्छे जगह सरकोटा। हेलो, हेलो जी, नमस्कार। आज भी है ना, ऐसे को नौकरी करता जॉब करता कहीं हो? ये सुन बोले, ये परचून परचून की शॉप है, ये परचून की शॉप है चरकोट गांव में। बुलाना पड़ेगा जो से? हां ना, उसे नाम पेंट कर देता हूं ना मैं, वो ऑनलाइन करेगा ना फिर। ये नीति भाई का घर। हां हां, ठंडी हवा मस्त एकदम। ये है नीति भाई का घर, हमारे बंदे नाम नित्य से दावत। तो यही हम रात में सोए थे। देखो कितना शानदार घर है उनका, यहाँ से लेके यहाँ शॉप तक। और ये है मनोज का घर, घर में कोई नहीं। देखो इसका मतलब होता है घर में कोई नहीं है, लेकिन हम फिर भी जाएंगे और उनका घर आपको दिखाएंगे। अनार ही अनार। और इधर है उनकी गौशाला। उनके यहाँ पे मंडवा बो रखा है, लेकिन बारिश ही नहीं है तो क्या करें। और ये है के गो होली आ रही, हाँ कंडी शायद, ये कंडी है शायद, शायद से टंकी जहाँ यहाँ से पानी सप्लाई होता है पूरे गांव के लिए। देखो हम गौशाला मिलते पहले, सबसे पहले बछड़ी गाय मेरे ख्याल से ना जंगल जा रखी चुगने के लिए, तो उसका खा है यहाँ पे। भैया उनका घर शानदार, घर में दीदी प्रणाम, नमस्ते। देखा आपने कितने शानदार घर बना रखे हैं यहाँ पे लोगों ने। एक घर इसके नीचे है और इधर से चरकोट का नज़ारा।
मंदिर है चराकोट का। उसको नहीं इसलिए कि इसको नहीं था, उस घर पे गए थे हम लास्ट वाले घर पे, उस पे घर पे, वहाँ से फिर यहाँ। ठीक तो चले, विरादा छोड़ा घूम गया, विरादा छोड़ा अपने हिल स्टेशन। मैं छुपा दिया जल्दी से, प्लेट नहीं उठाते। हाँ पहले फाइन लगता था ना, ऐसे बोलते थे। प्लेट तो अब वक्त आ गया है चरकोट से अलविदा लेने का। कभी मौका मिलेगा तो फिर आएंगे और आपको फिर से चरकोट घुमाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। गाड़ी आ गई हमारी, देखो आवाज़ आ रही है, आ जाओ गाड़ी आ गई, जल्दी आओ। चलो भाई, अपना ख्याल रखना।